हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक मार्कर की ड्राइंग बनाएंगे रणवीर सिंह की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पेंसिल से भी, तो थोड़ा धीरे धीरे करना ड्रॉ, क्योंकि काफ़ी हार्ड ड्राइंग कह सकते हैं इसको। मेन हार्ड पार्ट इसका यही होता है, एंड बाकी मार्कर से भी करते हुए काफ़ी हार्ड ही होते हैं वैसे, बट फिर भी पेंसिल ज़्यादा हार्ड लगता है मेरे को। तो रेडी हो जाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको मैं। फ्रेंड्स देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ा फास्ट करके मैं आगे आ चुका हूँ, प्लस अब मैं हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हेयर्स ड्रॉ करते करते हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं ये डॉट डॉट दे रहा हूँ, ये हमें मेन होता है, क्योंकि इससे ही लुक आता है हेयर का। क्योंकि ब्लैक मार्कर ड्रॉइंग है तो पूरी ब्लैक रहती है, तो इसमें पता कैसे लगेगा हेयर कहाँ है, कैसे है। तो ये डॉट्स का ध्यान रखना, जैसे मैंने चश्मे भी दिया है शेडो टाइप, तो काफ़ी मेन वर्क होते हैं यही छोटे छोटे, इसी से ड्राइंग हमारी अच्छी खिलती है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जैसे कि ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है, अब मैं चश्मे पे देखो फिर वही डॉट दे रहा हूँ जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसी से लुक आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही धीरे धीरे ड्रॉ करो, एंड अब थोड़ी देर बाद मैं मार्कर करूँगा इस पर। तो इसको मैं फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देख रहा हूँ मैं मार्कर कर रहा हूँ। तो ये मार्कर पहले मैं आउटलाइन कर दूंगा सारे की। तो ये धीरे करना, ज़्यादा फास्ट मत करना, क्योंकि मेन यही हाईलाइट होता है। और बाकी अच्छी तरह करना, सेम लाइन पे करना जो आपने ड्रॉ करा है, कुछ अलग मत करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे करा तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो चलो ऐसे ही ड्रॉ करना, एंड थोड़ा धीरे चलाना मार्कर। ज़्यादा तेज़ चलाओगे गलती से आगे निकल गया तो काफ़ी ड्राइंग का नुकसान हो सकता है, ख़राब हो जाएगी क्योंकि पूरी। सो फ्रेंड्स चलो ड्रॉ करते हैं फटाफट आउटलाइन। तो फ्रेंड्स अब मार्कर से फिलिंग करने का टाइम आ गया, तो फिलिंग कर रहे हैं। तो फिलिंग थोड़ा धीरे धीरे करना, ज़रा तेज मत करना, और ध्यान से करना। प्लस आउटलाइन कर लेना, आउटलाइन के साथ फिलिंग पहले कर लेना थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर टाइप कहते हैं जिसको, उसको बना लेना। उससे थोड़ा ये रहता है कि फाड़ ना निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो मार्कर ना निकले बाहर तो बेस्ट रहेगा, शेप ड्राइंग के अंदर रहे तो बेस्ट रहेगा मार्कर। तो धीरे धीरे करना, मैं अभी ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से करना। फ्रेंड फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है मार्कर से, तो अब आया मेरा सिग्नेचर का टाइम, तो मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ इस पर। एंड थोड़ा सा कट गया है तो इस वजह से मेरे को सिग्नेचर नहीं दिखा सकता आपको मैं, तो इसलिए सॉरी। ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।